लगने से 3 घर जलकर हुआ खाक। प्रयागराज कौंधियारा थाना क्षेत्र के भनौरी ग्राम सभा के अहिरन बस्ती के रमाकांत यादव, श्रीकांत यादव, कमलाकांत यादव पुत्र अमरनाथ यादव के तीनों बेटों का घर में लगभग 12 बजे रात्रि में अचानक घर में आग लग गई, जिससे पूरा सामान जलकर खाक हो गया। और अब पूरा सामान जल गया, अब खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। मौके पर ग्राम प्रधान जगदम्बा पटेल, राजस्व विभाग के लेखपाल हीरा लाल और रोजगार सेवक ज्ञानेंद्र पटेल और पूर्व प्रधान सीताराम पटेल तथा गांव के अन्य लोग मौजूद रहे। भनौरी ग्राम सभा के अहिरन बस्ती में कल रात्रि 12 बजे के बीच में अचानक आग लग गई, जिसमें पूरा घर का सामान जलकर खाक हो गया और उसमें कई कपड़े, कुर्सी, गेहूं, 15 कुंटल और 2 कुंटल चावल और 30 कुंटल धान आदि सब सामान जलकर खाक हो गया। उस गरीब परिवार के पास अब खाने के लिए, रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अब उस परिवार का गुजारा कैसे होगा? माननीय योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह है कि अपने अधिकारियों को सूचित करके उस गरीब परिवार की सहायता के लिए कुछ प्रबंध कराया जाए। उस परिवार में रमाकांत यादव के 3 बच्चे, श्रीकांत के 4 बच्चे, कमलाकांत के 4 बच्चे रात्रि में सब परिवार सो रहे थे। किसी तरह आग का आभास हुआ तो सभी लोग घर से बाहर भाग खड़े हुए और चिल्लाने लगे। तब गांव के कुछ लोग वहां पर पहुंचे और आग को बुझाने लगे तो पीड़ित परिवार वालों ने 112 नंबर पर सूचना दी और मौके पर 112 नंबर के अधिकारी पहुंचे। उसके बाद लोगों ने आग पर काबू पा लिया, जिसमें जानवर व परिवार के लोग बाल बाल बच गए। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज से रामबाबू पटेल की खास रिपोर्ट। अमरनाथ यादव, पिता का नाम है श्री राम नारायण यादव, ग्राम भनौरी यादव बस्ती। ये जो घटना हुई है, ये घटना कैसे हुई आपके घर? रात 12 बजे आग लगी, उस समय सब बच्चे सो रहे थे, पता नहीं कैसे आग लग गई, मालूम नहीं। आपको किसी के ऊपर शंका? कुछ नहीं। कोई धमकी वगैरह दिया था? कुछ नहीं। चलिए ठीक है। कांत यादव, ग्राम भनौरी, पोस्ट बिलहारा, थाना कमजारा, जिला इलाहाबाद। आग ये कैसे लगी? 12 बजे रात आग लगी। आप लोग उस समय कहाँ थे? सो रहे थे हम लोग। जब ये घटना हुई तो आप लोग सो रहे थे, तो गांव वाले आप कैसे जाने यहाँ पे? क्या ये आपका घर है या तो यहाँ पे हम रहते वो मकान बनवाए पे उसका गृह प्रवेश नहीं किए हैं, वहाँ पे नहीं रह रहे थे। यहाँ पे हमारे बच्चों का पूरा गृहस्थी का सामान जल गया है। जब उठे तो हल्ला मारे तो गांव वाले आए तो उसको बुझाए। अच्छा, आप यहाँ जब आग जलने लगी तब आप लोग जाने कि यहाँ आग जल रही है? हाँ, तब मैंने जाना कि आग लग रही है। आपके परिवार में कुल कितने लोग हैं? अरे मेरे घर में है कुल 5 आदमी। 5 लोग? 5 लोगों का पूरा गृहस्थी सामान था, पूरा जल के खाक हो गया। गेहूँ, चावल, आटा सब कुछ जल गया। किसी के ऊपर कुछ शंका? किसी के ऊपर शंका नहीं है। किसी को कुछ 1-2 दिन गंदा, 4 दिन का कुछ बात विवाद हुआ था? बात विवाद कुछ नहीं हुई। नाम पूछेंगे? अपना परिचय बताए पूरा। रमाकांत यादव, ग्राम भनौरी, पोस्ट बलखारा, थाना कमजारा, जिला प्रयागराज। बस्ती कौन है? भनौरी। ये बस्ती कौन सी है? यादव बस्ती। यादव बस्ती। आप यादव हैं? आप यादव हैं? जी। गुड़िया, अपना परिचय बताए। नाम आचल यादव, ग्राम भनौरी, पोस्ट बलखारा, जिला इलाहाबाद। जब ये घटना हुई थी तो आप लोग क्या कर रहे थे? सो रहे थे। जब ये घटना आग जल रही थी तो आप लोग कुछ पता था? नहीं। मैडम जी, अपना परिचय बताएं आप। जब ये घटना हुई तो आप यहाँ पर क्या कर रहे थे? किसी के ऊपर कुछ शंका है? कोई नहीं शंका। किसी से बात भी बात तो नहीं हुई थी? किसी से नहीं। कोई आपको धमकी तो नहीं दिया था? नहीं। फोटो मैंने
उनके सरसों और रखी बा जहां बाबा खा बा वहां बर्तन पाइप जलिए पूरी पाइप पानी वाला वहां पर भी वो बर्तन जलिए राई जलिए गेहूं जलिए धान जलिए चना चना सब जलिए खाने के लिए घर में कैसे आग लगी भैया? अब ये तो पता नहीं लेकिन रात को 12 बजे आग लगी है। आग लगी थी तो तुम लोग कहाँ थे? हम लोग यहीं सो रहे थे। सो रहे थे? आपको किसी से दुश्मनी तो नहीं थी? ऐसा कोई बात नहीं है। कोई आपको धमकी तो नहीं दिया था? ऐसा कुछ नहीं है, कोई धमकी नहीं। तो ये आग अनहोनी में लग गई आपके? अनहोनी में लगी है। आपको कोई जानकारी नहीं है? नहीं, कोई जानकारी नहीं है जी। हम लोग यहाँ पर सो रहे थे तभी अचानक में आग लगी और मैं लोग उठा तो देखा बहुत तेजी से जल रहा था। जब आप उठे तो देखे तो तेजी से जल रहा था। मवेशी बात आ रहा है। आपने मवेशी भी थे क्या? जानवर? इसमें जानवर थे? भैंस गैया जानवर थे। तो एक भैंस गाय कोई जली तो नहीं? नहीं जली तो नहीं, उन्हें खोल दिए गए। फिर आपका नुकसान क्या क्या हुआ? नुकसान यही पूरा मतलब कुड़िया जली है जी, और उस तरफ खरही जली है। ये कुड़िया है कि आपका इसमें रह रहे हैं? तो आप कुड़िया क्यों बता रहे हो? अरे ये मैंने बोला जैसे वो नया घर बनवाए हो तो उसमें नहीं रह के इसमें आप अपना गुजर कर रहे थे। हाँ, अभी उसमें गृह प्रवेश नहीं किए थे इसके कारण उसमें आप नहीं रह पाते। हाँ। थे कितने लोगों का घर जला है? लगभग 3 लोगों का। तीनों लोग का नाम बताइए। तीनों लोग का नाम बताइए। मेरे पिताजी श्रीकांत यादव सनाफ अमरनाथ और चाचा कमलाकांत यादव सनाफ अमरनाथ, रमाकांत यादव सनाफ अमरनाथ। अपना परिचय बताइए। अपना परिचय ग्राम भनौरी पोस्ट बेलसारा थाना कौंदियारा प्रयागराज। नाम बताइए। अपना नाम सचिन यादव। ये आपके बगल में जो है आपकी क्या है? ये मेरी मम्मी है। ये आपकी मम्मी लगती है। ये घटना आपके घर कैसे हुआ? हमें नहीं पता था। उस समय आप क्या कर रहे थे जब आग लग रही थी? सो रहे थे। आपसे आपके किसी को पास शंका? किसी के नहीं। कोई धमकी दिया? कोई नहीं। आपने परिचय तो कोई बात 2-4 दिन पहले हुई थी। आपका नाम क्या है? हमारा नाम सूरी। हाँ, ये आपकी कौन है बगल में? ये बच्चे कौन है? लड़की है। अपना परिचय बताइए आप। मेरा नाम मानसी यादव है। जब आग लगी तो आप यहाँ क्या कर रहे थे? हम सो रहे थे। चलिए ठीक। कमलाकांत यादव राम बनौरी। ये जो घटना हुआ है ये किसके घर में? ये आपके घर जो घटना हुई आपके कौन लगते हैं? ये तो भाई है मेरे, 15 दिन हमारो भी घटना हो गई, सब चल गया। मतलब आप लोग कितने भाई के यहाँ नुकसान हुआ है? 3 जन के। तीनों पूरा परिवार सहित यहाँ रहते थे? नहीं, 2 जन रहते हैं, हम गांव रहते हैं। क्या क्या नुकसान हुआ है? अरे पियरा धान गेहूँ सब जल गया। खाने के लिए कुछ बचा? नियम तो आप बचा पा जो कुछ बार घरे तो बहुत बार, और कुछ नहीं। अपना परिचय बताएं। कमलाकांत यादव ग्राम भनौरी। कौन सी बस्ती है ये? यादव